हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का मेरे चैनल रसना रियल ब्लॉग में स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं बैठी हूँ और शाम के बज रहे हैं 3:30, 3:30 नहीं 4 बज रहे हैं। और अभी से मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। और समर वेकेशन चल रहा है ना, तो बोरियत हो जा रही है। सुबह सुबह काम जल्दी हो जा रहा है और दिन बड़ा हो रहा है। और इस समय बच्चों की भी छुट्टी चल रही है, अभी चलेंगे थोड़ी देर में नाश्ता बनाने। स्पेशल बनाएंगे तो वही बनाने चल रहे थे कि आ गए सब, चटवा खाएंगे सब। मिल गया उसको। मनीषा की फिल्म लव लेटर की तरह तेरी माँ ने तेरे बाप को कोई लव लेटर लिखा सच में जितना बोलता है उतना सच होता जाता है। अभी बहुत तेज धूप है, 5:30 हो रहा है। मन धूप इतनी तेज है कि बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। अभी दुकान भी नहीं खुले ऐसा। और आज मुझे मन कर रहा है समोसा बनाने का, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ समोसा बनाने। और इसीलिए मैंने चॉइस किया कि मैं खुद बनाऊँ और खुद खाऊँ। तो चलिए, आलू उबाल के रखे हैं, उसको मैश करके रखे हैं, बस उसका वो मसाला तैयार करना है। तो चलिए चलते हैं। किचन में मैं आ गई हूँ और जो दोपहर का बर्तन धुला था उसको, बर्तन स्टैंड जो है उसमें सब रख रही थी और पूरा समेट रही थी, सारा खाली कर लेंगी ब्रेक और उसके बाद ही मैं तैयारी करूँगी। और देखिए सारा बर्तन मैंने लगा दिया है, अब वही चल रहे हैं चोखा तैयार करने के लिए समोसे का। तो देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मिर्चा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि तीखा सबको ही पसंद है। और समोसा का मतलब ही कि तीखा चाहिए तो चाहिए। तो थोड़ा सा मिर्चा डाले और उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वही कूच ली थी कुटनी में, पेस्ट नहीं बनाई थी, तो उसको डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और मैं थोड़ा सा प्याज भी डालती हूँ, अपना अपना अलग अलग सबका तरीका है। मैं थोड़ा सा ही आलू प्याज बारीक काटी थी तो उसको मैंने इसी में डाल दिया। बारीक प्याज था तो उसको डाल के थोड़ा सा फ्राई करके थोड़ा सा रेड हो गया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला डाला, गरम मसाला और नमक हल्दी, बस इससे मेरा चोखा तैयार हो गया था। और बाद में देखिए थोड़ा सा ही मसाला, ज़्यादा मसाला नहीं क्योंकि ज़्यादा गर्म करने लगता है, इसी वजह से हल्का सा मसाला मैंने डाला है। अब इसमें थोड़ी वो आलू डाल देंगे उबाला हुआ और इसको अच्छी तरह से इसी मैश कर लेंगे। ज़्यादा हमें हीन नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खड़ा रहना चाहिए। समोसे का मतलब है कि आलू थोड़ा खड़ा रहना चाहिए, ज़्यादा मैश करने से अच्छा नहीं लगता है। इसलिए देखिए इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। और जब पूरी तरह से इसको मैश कर लेते हैं धीरे धीरे, तो इसको अच्छी तरह से चला के पूरा अच्छे से मैश कर लेते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं चाट पाउडर और खटाई अमचूर पाउडर, तो देखिए अच्छी तरह से मैश हो गया। अब बस गैस को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा देखिए वही चाट पाउडर डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर रखे थे मंगा के, क्योंकि अब सब पोहा वोहा बनाते हैं इसीलिए रखा रहता है, और ज़्यादा बड़ा पैकेट ला दिए थे। और उसके लास्ट में वही धनिया का पत्ती डाल के उसको मिला के और मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी समोसा। इसके बाद अब मैदा का उसको गूंथूँगी क्योंकि दुकान खुली नहीं थी, मैदा था नहीं, तो बच्चा गया था फिर वापस चला गया, 5:45 जाएगा फिर से लेने के लिए। तो देखिए तब तक तैयारी कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल ले रही हूँ और नमक डाल के रख ली हूँ। और देखिए लेके आ गया है पैकेट वाला मैदा है, थोड़ा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि बस खाने का मन इच्छा जाएगा अंदर से, तो सोचा कि चलो अपनी भी बना लेते हैं, क्या दुकान भेजिए इससे बने अपने बना लेंगे तो बच्चे भी खा लेंगे, मैं सब लोग खा लेंगे भरपेट। तो देखिए इसको अच्छे से तेल से मन दे के और उसको अच्छे से हल्के से पानी में गूँथे, ज़्यादा पानी हिसाब से पानी डालना रहता है, ज़्यादा पानी नहीं डालना रहता है। और उसको हल्के से गूँथ के और उसके बाद पूरा तैयार हो चुकी है और मेरा मसाला भी तैयार हो गया, गुटके भी रख दिए। अब इसको 15 मिनट तक रखना रहेगा, थोड़ा थोड़ा कुरकुरा होगा
बहुत दिनों के बाद आज बना रही हूँ, वो भी मन कर रहा था, मार्केट से किनूँ और मतलब है ही नहीं, इसलिए सोचा खुद बनाऊँ। अब छोट लोई काट के इकट्ठे रख लूँगी, ज़्यादा मैंने बोला था ना ज़्यादा नहीं बनाए, बहुत बनाई थी तो 10-12 को बनाए थे, उससे कम ज़्यादा नहीं बनाए थे। अब बच्चे भी खाने वाले हैं, बड़ा वाला बेटा बड़ा मौज से खाता है, वो पहले पूरा तो मम्मी मुझको 4-5 हो जाएगी, तो वही धीरे धीरे अब वही देखिए बेलेंगे, उसके बाद इसमें से 2 हिस्सा करेंगे और उसके बाद भरेंगे इसमें चोखा। हो गया, ज़्यादा मैं बड़ा बड़ा नहीं बनाई थी, छोटा ही छोटा बनाई थी, क्योंकि बड़ा बन नहीं पाता है और मैदा भी थोड़ा सा कमी, चोखा भी थोड़ा कमी था, तो इसीलिए कम ही बनाए थे। इसको पानी लगा लेंगे, उसके बाद इसको ड्राई कर लेंगे तेल भी आकार में, तो देखिए इसको अच्छी तरह से दबा देंगे। इसमें चारों ओर से फिर से वो पीछे वाला ना हिस्सा जो है उसको उसमें चोखा भर देंगे थोड़ा सा। भर गया है, अब इसको इधर पीछे पीछे वाला सीजन है उसको थोड़ा सा हल्का ऐसे मोड़ लेंगे, जिससे समोसे का शेप अच्छे से आ जाए। और मैं भी देख के ही ट्राई कर रही हूँ, और मैं ये दूसरा बार ही बना रही हूँ, सीखती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, और ट्राई करने में क्या हर्ज जाता है। तो सोचे कि बैठे बैठे थे तो सोचे थे कि बच्चे भी मन कर रहा, सबका भी मेरा भी मन कर रहा था, तो फिर सोचे चलिए बना ही दे, और जब वही बनाना स्टार्ट कर दी और देखिए मेरा कितना सुंदर बन गया था समोसा। देखिए दुकान की तरह नहीं बना था, फिर भी जैसा आया था वैसा मैंने बनाया था, ये भी नहीं कि खराब बना था, बहुत इसका मसाला बहुत अच्छा बन गया था मेरा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, समोसे की तरह लग रहा है ना। अब तेल इधर मैंने चढ़ा दिया, और तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इतना रहे कि मैंने इसमें जाने पर समोसा तुरंत जलने ना लगे, वही करा भी छोटी है तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा नहीं डालूँगी, तभी 5 डाल दी थी, वैसे मुझको 4 ही डालना चाहिए था क्योंकि कढ़ाई बहुत छोटी थी। और देखिए मेरा समोसा बन के रेडी और बन गया है, और कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भी, और उतना ही टेस्टी खाने में। भाई बोल, बोल। समोसा बन के रेडी हो गया है, और इधर ये जो मैदा बच गया था ना, वो जो मसाला कम पड़ गया, मैदा बच गया, इसका मैंने ये नमकीन बना दिया है, तो फाइनली मेरा हो गया, अभी शाम हो गया, चलने दिया। हाँ तो बन गया समोसा, और मैं दिया जलाने चली गई थी भगवान जी लोग का, क्योंकि संजा हो गया था और 7:15 हो रहा था, तो दिया जलाने जो है। और बताइएगा मेरा समोसा कैसा लगा, खा लीजिए, और हम भी खाने जा रहे हैं, आप लोग देख के खा लीजिए, हम रियल में खाने जा रहे हैं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। ओके।